देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। महाराष्ट्र में मौसम का बदले रूप का असर एमपी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक देखने को मिला है। मॉनसून की विदाई के समय ऐसी बरसात लोगों को हैरान कर रही है। हालांकि मौसम विभाग ने आज से इसमें राहत की बात कही है। दिल्ली की बात करें तो आज आसमान में बादल छाए रहेंगे लेकिन बरसात नहीं होगी। यही हाल दिल्ली से सटे राज्यों जैसे कि पंजाब हरियाणा का भी रहेगा। पहाड़ी राज्यों में भी आज बारिश के आसार नहीं है। आइए जानते हैं कि आज देश भर में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज बारिश के आसार नहीं है। आसमान में बादल जरूर छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 तो न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसार है। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक की बात करें तो ज्यादातर मौसम साफ ही रहेगा। बारिश की इस बीच कोई संभावना नहीं। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 तो वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। दिल्ली से सटे राज्यों की बात कर लेते हैं, जैसे कि पंजाब हरियाणा और दोनों की ही राजधानी चंडीगढ़ में देखें तो आज बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम साफ ही रहेगा। तीन जगहों में 30 से 4 अक्टूबर तक भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। इसी दौरान भी मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी नहीं की है। पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ भी मौसम साफ रहने वाला है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी आज के लिए कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं की गई है। यही हाल 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रहेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आज का मौसम साफ रहने के अलावा 4 अक्टूबर तक बारिश के कोई आसार नहीं है। उत्तराखंड में भी आज मौसम साफ रहने वाला है और बारिश के आसार ना के बराबर ही है। ऐसा मौसम 4 अक्टूबर तक ऐसे ही रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में अब बारिश का जदौर थमने की ओर है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में आज बारिश नहीं होगी। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में गरज चमक के आसार हैं, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान का मौसम आज साफ रहने वाला है। ये सिलसिला 4 अक्टूबर तक ही चलेगा। मध्य प्रदेश और बिहार में भी अभी मॉनसूनी बारिश थमी नहीं है। बिहार में लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। अधिकारियों ने ऐसा बताया है कि भोजपुर, बक्सर, सारण, पटना, समस्तीपुर और गंगा समेत कई ऐसे किनारे स्थित लगभग 12 जिले पहले से ही बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं और मूसलाधार बारिश के बाद नदियों के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में रहने वाले लगभग 13.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी समेत कई ऐसे और भी जिले हैं जहां बारिश का अनुमान लगाया गया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में हल्की से मध्यम स्तर की बाढ़ आने का खतरा है। मॉनसून के रिटर्न के बीते दिनों महाराष्ट्र में कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।